संभल में तालाब में अधेड़ का शव तैरता मिला। वहीं शव मिलने की सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में विधान परिषद चुनाव के मतदान के दिन 5,115 मतों में से 762 जनप्रतिनिधियों को सहायक मिले। एमएलसी प्रत्याशियों का सवाल है कि किस आधार पर 762 वोटों की जांच की गई। वहीं प्रत्याशियों ने 262 वोटों को गिनती में शामिल न करने की मांग की। जौनपुर पुलिस ने बैंक चेकिंग अभियान चलाया, जहां शाहगंज के सीईओ अंकित कुमार ने क्षेत्र के तमाम बैंकों और एटीएम का जायजा लिया। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस ने यह अभियान चलाया। बिजनौर में भूमाफियाओं पर पुलिस प्रशासन ने सिकंजा कस लिया है। दरअसल ग्राम समाज की कब्जाई जमीन पर बाबा का बुलडोजर चला है, जहां 13 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। पूरा मामला थाना मंडावर के दयालवाला इलाके का। थाना मुंडेरवा लालगंज तथा एंटी नारकोटिक्स टीम के संयुक्त ऑपरेशन में 25,000 का इनामी गौ तस्कर सीबू जयसवाल पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 11 अप्रैल की प्रातःकाल थाना मुंडेरवा और एंटी नारकोटिक्स की टीम जब अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए क्षेत्र में भ्रमणशील थी, तो गो तस्करों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो पर कुछ गो तस्कर क्षेत्र में भ्रमणशील देखे गए हैं, जो जानवर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर जब मुंडेरवा और एंटी नारकोटिक्स टीम प्रभारी योगेश ने वहाँ जा करके उनको घेरने की कोशिश करी, तो उनके द्वारा हमारी टीम पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें बच बचाव करते हुए हमारी पुलिस की टीम ने उन पर फायरिंग करी, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। बुलंदशहर के डीएम ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। बुलंदशहर के डीएवी कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए। वहीं डीएम ने बच्चों को संबोधित करते हुए स्मार्टफोन के फायदे गिनवाए। एटा में गांव के बोरवेल में गौ माता के गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने अपने साथी के साथ 35 से 40 फीट गहरी बोरवेल में घुसकर जान की परवाह न करते हुए बेजुबा गौ माता को रस्सियों की मदद से निकाला। वहीं पुलिस के इस कार्य को ग्रामीणों ने सराहाया है। हमीरपुर में डकैती की वारदात से जिले में सनसनी फैल गई। बता दें कि आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने सुनार के घर में डाका डाला। लगभग 50 लाख के जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। हमारे घर में 6 से 7 लोग आए और इनको पैर बांध दिया, हाथ बांध दिया, गले में कट्टा लगा दिया यहाँ, और कहने लगे जो कुछ है दे दो नहीं जान से मार देंगे। हमारा एक बड़ा लड़का है, इसका नाम सील कमल है, इसके डकैती पड़ी है रात में। 10-12 लोग आए थे रात में, अब मारपीट के सभी इसको ले गए हैं, सामान वामान थोड़ा सब कुछ ले गए हैं, बाद में दरवाजे पर तोड़ ताड़ के भी निकल पाए हैं, भाग गए। जौनपुर पुलिस ने बैंक चेकिंग अभियान चलाया। शाहगंज के सीईओ अंकित कुमार ने क्षेत्र के तमाम बैंकों और एटीएम का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर पीएम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और योगी सरकार बहुत काम कर रही है। साथ ही कहा कि नदियों के जल का सही प्रयोग हो और किसानों के खेतों में पानी पहुंच रहे, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। जफरगढ़ में थाना तितावी क्षेत्र के कस्बा बघरा में स्थित तो पुलिस चौकी पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे इसके देहात अतुल श्रीवास्तव एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह और सदर एसडीएम परमानंद झा ने हंगामा कर रहे हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को आश्वासन देकर शांत कराया। मंदिर में एक मूर्ति में तोड़फोड़ की घटना हुई है, इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं और क्यों इस तरह की घटना हुई है। विस्तृत जानकारी करके और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। याकूब नाम का व्यक्ति है, पाकिस्तान से ही बताया जा रहा है कि होकर आया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें आगे प्रकाश में आएंगे। पहले भी यहाँ बघरा में हमारे हिंदू समाज के जो पूजनीय स्थल है, उस मंदिर में एक जिहादी मानसिकता वाले विधर्मी द्वारा मंदिर में घुसकर हमारे हिंदू समाज के मान सम्मान पर जो आघात पहुंचाया है, जो हमला किया है, उसे हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हिंदू समाज एकजुट होकर आज यहाँ इस घटना के विरोध में चौकी पर खड़ा है। जैसे ही हमें पता लगा, हम तुरंत बघरा में पहुँचे और जो घटना का पता लगा है, जो ये जिहादी था, इसने मंदिर में घुसकर मंदिर में धार्मिक मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया, खंडित किया,
और जो वहाँ पर पुजारी थे, व्यवस्था में लगे हुए कुछ लोग थे, उन पर भी उसने जानलेवा हमला किया।